हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही छोटी बट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम आई स्ट्रेन बोलते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में और हमारा जैसा वेदर या मौसम होता है हमारे आसपास, उसमें सबसे कॉमन चीज़ जो हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आते हैं वो है आई स्ट्रेन। हर तीसरा पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आए कहता है कि डॉक्टर साहब, आँखें थकी हुई हैं, आँखों में जलन महसूस हो रही है, आँखें सूखी हुई लग रही हैं, आँखों में भारीपन रहता है। तो ये चार जो कंप्लेंट्स हैं, ये मेरी ओपीडी की मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे बात की जाए और इसके छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप घर पे ही इसका इलाज कर पाएँ और आपको हमारे पास ओपीडी में इसके लिए आने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी आप कुछ देख रहे हैं, चाहे वो स्क्रीन है, चाहे वो ड्राइविंग है, या आप कोई भी काम नज़र वाला कर रहे हैं, उसके बाद आपको आंखों की थकावट महसूस होती है जो नॉर्मल से जल्दी होती है, इसको हम बोलते हैं आई स्ट्रेन। इसके साइंस क्या हैं? इसके साइंस हैं आंखों में थकावट, आंखों में सूखापन, आंखों में हल्का हल्का जलन, या आंखों में रड़क पड़ना, या ऐसा लगना कि कुछ आँख में हमारे है ये फीलिंग आना। और इसके साथ एक आई स्ट्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो नॉर्मली मिस करते हैं, पर लोग वरिड होते हैं कि जब हम नज़दीक का देखते देखते एकदम से दूर देखते हैं तो हमें धुंधला दिखता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ फोकस का जो चेंज होता है, तो हमें एकोमोडेट या वापस रिलैक्स करने में टाइम लगता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। और एक और इसका ज़रूरी सिम्टम है सेंसिटिविटी टू लाइट। जब भी हम लाइट में देखते हैं कुछ देर काम करने के बाद, तो हमें लाइट की चमक बहुत तेज़ लगती है और हमारा मन करता है कि हम आंखों को बंद करके बैठ जाएं। ये एक अनदर आई सिम्टम है जो आई स्ट्रेन को सिग्निफाई करता है। लंबे समय काम करने के साथ हमारी नेक में, शोल्डर में, इन सब में पेन होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है टूवर्ड्स आर बैड पॉस्चरल हैबिट्स और आई स्ट्रेन का। अब आई स्ट्रेन का डायग्नोसिस कैसे होगा? ये जो सब मैंने आपको साइंस बताए हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपको आई डॉक्टर के पास ज़रूर जाके दिखाना चाहिए, ये देखने के लिए कि ये नॉर्मल आई स्ट्रेन है कि इसके अलावा कुछ और भी है। बट अगर इन सब चीज़ों को आप एक या दो दिन के लिए, मैं छोटी छोटी टिप्स देता हूँ, उससे आप ट्राई करें, अगर आप बेटर हो रहे हैं तो ये नॉर्मल आई स्ट्रेन ही होगा। तो नॉर्मली जो आई स्ट्रेन है, इसको हम छोटी छोटी अपनी आदतें बदल के या घर पे छोटे छोटे इलाज करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। हमें हर चीज़ के लिए दवा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान ने हमारा जो बॉडी बनाई है उसमें नेचुरल हीलिंग सिस्टम बनाए हुए हैं, बट हमें अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड नहीं जाना है। अपनी आँखों को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना एक एट अ स्ट्रेच कि वो हमें तकलीफ देना शुरू कर दे। तो सबसे ज़रूरी बात, हर 20-25 मिनट बाद 20-25 सेकंड के लिए कम से कम 20 फीट दूर देखें, जिसको हमने बार बार अपने नीचे दिए लिंक स्क्रीन लाइट वीडियो में बड़े अच्छे समझाया है। दूसरा, आंखों को काम करते समय फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करें ताकि आपकी आंख की नमी आपकी आंख के अंदर बची रहे। अंदर जो एयर कंडीशनर्स होते हैं वो हमारी आंखों की नमी को और कम करते हैं, सूखापन बढ़ाते हैं, जिससे ड्राइनेस और आई स्ट्रेन बढ़ता है। तो कोशिश करें कि कुछ देर अपने रूम का टेम्परेचर ठीक करने के बाद आप एसीज को बीच में स्विच ऑफ कर दें, और ह्यूमिड एनवायरनमेंट थोड़ी जो होती है उसमें बीच में अपने दिन के एक या दो घंटे ज़रूर बिताएं ताकि आपकी नमी बनी रहे। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अपनी स्क्रीन की सेटिंग्स हैं उसको आप ठीक करें। जो आपके आसपास की लाइटिंग है पढ़ते समय, उसमें प्रॉपर फ्लक्स यूज़ करें, यानी कि लाइट प्रॉपर हो ताकि आपको जोर देके पढ़ना ना पड़े। अच्छी लाइट में आपको कम जोर देके पढ़ना पड़ता है। और अपनी स्क्रीन की जो हाइट है वो आपकी आंखों की हाइट से थोड़ी सी नीचे हो ताकि आपकी गर्दन फ्लेक्स रहे, ऐसे एक्सटेंडेड ना रहे, जिससे आपके नेक स्ट्रेन और शोल्डर पेन्स हो सकते हैं। हर थोड़ी देर बाद अपना पॉस्चर चेंज करते रहें। एक ही जगह पे लगातार बैठने से आपकी मसल्स और आपकी स्ट्रेन और आपकी स्टिफनेस आ जाती है। तो थोड़ी देर बाद अपनी बॉडी के पॉस्चर्स को चेंज करते रहें,
उठ के थोड़ा चल के आएं थोड़ी देर के बाद, ताकि आपकी बैक और आपकी जो गर्दन है इसको स्ट्रेचिंग मिले, और हो सके तो अपनी गर्दन और बैक की एक्सरसाइज भी करते रहें। कुल मिला के मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप अपनी आँखों को जुडिशियसली मतलब संतुलित तरीके से आप इस्तेमाल करें, उनको एट अ स्ट्रेच ओवरयूज़ ना करें, और आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसके अलावा आई की फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, लिमिटेड यूज़ और ब्रेक्स लेके काम करेंगे तो आपका आई स्ट्रेन होगा ही नहीं और आपको हमारी सेवाओं की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। यही मेरा और मेरी टीम का मकसद है कि आपको आपकी आंखों की रोशनी बरकरार रखने में आपकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।